सो गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस क्लास कॉट का रैंक सीजन बस खत्म होने ही वाला है और गाइस हमको फिर पुश करना पड़ेगा हीरो एक और पे। बहुत लोग का तो शौक रहता है रीजन पे आने का और क्लास कॉट में रैंक पुश करने के एक हफ्ते लग जाते हैं। सो गाइस आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप कैसे बहुत ज्यादा क्विकली कर सकते हो अपना रैंक पुश। मतलब आपको अगर एक वीक लगता है ना तो आपको 3 से 4 दिन में आपका जो रैंक पुश है वो खत्म होने वाला है। मतलब आपका हीरो एक हो जाएगा और आपको रीजन में आना है तो रीजन पे हो जाएगा और इससे जो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। क्योंकि गाइस मुझे पता है रैंक पुश करने में किसी को ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि गाइस रैंक पुश में थोड़ा सा भी माइनस हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है यार, पूरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है एकदम। सो गाइस वीडियो को अंत तक देखना, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस क्लास कॉड में रैंक पुश करने के लिए आप कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको अगर नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको। तो गाइस आपके पास मिनिमम 2 GB का डिवाइस होना चाहिए, फिर आपके पास एक मीडियम इंटरनेट का स्पीड होना चाहिए और गाइस आपके पास अगर अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं आता तो आपको करना है क्या, आपका एक फोन लेना है और उसमें कॉल लगा के गेम प्ले करना है और गाइस आपका जो इंटरनेट है वो अच्छा है फिर भी गेम में 99+ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको पहले एक अच्छे अच्छे गालियां देने गेम को, देन गाइस आपको गेरिना फ्री फायर को अनइंस्टॉल कर देना है एंड आपको प्ले स्टोर के रेटिंग्स पे जाके एक अच्छा सा कमेंट करना है, मतलब एक बढ़िया बढ़िया 5-6 गालियां देके आप फीडबैक देना। इट वर्क्स गाइस, ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर सर्वर खराब है तो कुछ नहीं कर सकते आप। देखो गाइस हमारा क्लास कॉड के लिए एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस अगर एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा ना तो आपका जो रैंक पुश है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो गाइस आपके पास अगर के है तो आपको के यूज करना है और अगर के नहीं है आपके पास तो आपको हुकोंग यूज करना है और आपके पास अगर हुकोंग भी नहीं है तो आप A124 यूज कर सकते हो। देन आपको यूज करना है मोको और आपको यूज करना है बुसिडो और कैली तो आपको यूज करना ही है। तो गाइस एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है जिससे आपका जो रैंक पुश है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सो गाइस में जो ट्रिक नंबर 2 आता है वो है आपको फर्स्ट राउंड पे कौन सा गन यूज करना है। तो देखो गाइस आप अगर AK M41 कार अच्छा चलाते हो तो आप G18 यूज कर सकते हो और आप अगर बहुत अच्छा वन टाइम हिटर मार पाते हो तो आपको M500 यूज करना चाहिए और गाइस M500 का एक प्लस पॉइंट है, आप M500 के साथ 100 EP भी ले सकते हो और गाइस जो EP है ना आपको एक एक करके हेल्थ प्रोवाइड करता है और गाइस आपको जो फर्स्ट राउंड है ना वो जीतना ही है आपको, क्योंकि आप अगर फर्स्ट राउंड जीत जाते हो ना तो आपको सेकंड राउंड है ना वो बहुत अच्छे अच्छे गन मिल जाते हैं जिससे आप जो सेकंड राउंड है वो आप इजीली जीत सकते हो और अगर स्टार्टिंग में 2 राउंड का लीड मिल जाता है तो और क्या चाहिए, तो ट्राई करो फर्स्ट राउंड जीतने का। और गाइस मैं बोलना चाहता हूँ आप अगर जीतने के लिए खेल रहे हो ना तो हेडशॉट पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि आप अगर ओनली हेडशॉट के लिए खेलोगे ना तो आपका जो विनिंग चांस है ना वो थोड़ा कम जाता है। सो गाइस हमें जो ट्रिक नंबर 3 आता है वो है आपको खुले में नहीं जाना है। तो गाइस एक राउंड में आप 3 ही ग्लू वॉल ले सकते हो और जो 3 ग्लू वॉल है वो एनिमी आराम से फोड़ दे सकता है, क्योंकि एनिमी टीम के पास अगर फायर पावर होगा ना तो 3 ग्लू वॉल तो कोई बात ही नहीं है, आराम से फोड़ देगा। तो गाइस ट्राई करो ओपन में नहीं जाने का, आपको कवर पे जाना है, क्योंकि अगर क्लास कॉर्ड में एक भी बंदा अगर मर जाता है ना तो वो राउंड जीतने का जो विनिंग चांसेस है वो भी कम जाता है। तो गाइस आपको एकदम ही सेफली खेलना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का और आपके टीम के अगर सब प्लेयर एकदम सेफली खेलेंगे तो आपका जो विनिंग चांसेस एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम 80% हो जाता है। तो गाइस आपको एकदम कवर पे खेलना है। तो गाइस हमें जो 4 नंबर ट्रिक आता है वो है प्लेइंग विद रैंडम प्लेयर। देखो गाइस इसका मतलब मैं बता देता हूँ। देखो गाइस सपोज आपका जो स्क्वाड है अभी ऑफलाइन है बट आपको करना है रैंक पुश, बट आपके जो फ्रेंडलीज के प्लेयर है ना वो अभी सब नूबड़े बंदे हैं, मतलब अभी जो प्रो बंदे हैं ना वो सब ऑफलाइन है, तो आप जब रैंडम मैच स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपकी लेवल के जो बंदे है ना वो आएंगे, मतलब आप अगर डायमंड 1 पे हो तो डायमंड 1 के प्लेयर आएंगे आपके पास, तो इससे अच्छा ही होगा क्योंकि आपके जो फ्रेंडलीज पे जो नूबड़े बंदे होंगे ना तो वो तो खेल नहीं पाते बट आपके जो रैंडम प्लेयर बंदे आएंगे ना वो आराम से मैच निकाल सकते हैं। और गाइस ट्राई करो माइक खोल के बात भी करने को जिससे आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा रहेगा, जिससे आप इजीली पूरा स्क्वाड को वाइप कर सकते हो। और बहुत लोग बोलेंगे अगर स्क्वाड में खराब बंदे आए तो, देखो गाइस बहुत ही कम चांसेस होते हैं बहुत खराब प्लेयर आने के, क्योंकि बहुत पहले ये खराब बंदे आते थे बट अभी जो गेरिना का जो मैच मेकिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा अच्छा कर लिया है। तो गाइस आप अगर डायमंड पे हो ना तो आपके जो टीममेट्स है वो भी डायमंड के आते हैं, तो कुछ टाइम पे देखा जाता है आप अगर रैंडम मैच स्टार्ट करते हो ना तो एनिमी स्क्वाड में 1-2 बंदे नूबड़े आ जाते हैं, तो गाइस जब आपका स्क्वाड ऑफलाइन रहे तो आप रैंडम स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस जो ट्रिक नंबर 5 आता है वो है यूज ग्रेनेड। देखो गाइस बहुत लोग करते हैं क्या, ग्रेनेड को अंडरस्ट में करते हैं और वो लोग ग्रेनेड को बाई ही नहीं करते, वो लोग सोचते हैं ग्रेनेड खरीद के क्या होगा, मैच तो हमको जीतना है, ग्रेनेड थोड़ी ना जीता के देगा। तो गाइस यस ग्रेनेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास कॉड में। सो गाइस सपोज आपका जो लास्ट एनिमी जिंदा है और वो ग्लू वॉल के पीछे है और आपके पास ग्रेनेड है तो आप कुक नेट करके उसको आराम से किल कर सकते हो, तो ग्रेनेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको अगर बहुत इजीली मैच जीतना है। तो गाइस आप और आपके टीममेट को बोल देना अभी अगर पैसे रहे तो ग्रेनेड खरीद लेने का, और गाइस ये मत सोच लेना मैं अगर ग्रेनेड यूज करूंगा तो मैं नूबड़ा बन जाऊंगा, तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, जो ई स्पोर्ट प्लेयर है वो भी ग्रेनेड यूज करते हैं तो ये तो मतलब नहीं है ना, तो वो भी नूबड़ा है।
सो गाइस हम जो ट्रिक नंबर 6 आता है वो है नॉट रशिंग स्ट्रेट। सो गाइस इसका मतलब होता है आपको सीधे रश नहीं करना है। तो देखो गाइस आप एक ग्राउंड में तीन ही ग्लू वॉल ले सकते हो, तो आप अगर तीन ग्लू वॉल तो लग ही जाएंगे अगर स्ट्रेट रश करोगे तो। तो गाइस जब फाइटिंग करोगे तो क्या लगाओगे आप? सो गाइस इसके लिए आपको एकदम मैप के साइड साइड से जाना है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा कम ग्लू वॉल लगेंगे और आप पीछे से एनिमी को धप्पा कर सकते हो और एनिमी सोच में पड़ जाएगा यार ये कब आया भाई। तो इसलिए आपको एकदम मैप के साइड साइड से जाना है, आपके ग्लू वॉल भी बहुत ज्यादा सेफ होंगे और आप आराम से अपने एनिमी को मार सकते हो। और कुछ बंदे फिर बोलेंगे यार तू मुझे पीठ पीछे मारने को बोल रहा है, और तुझे लगता है नहीं पता है शेर कभी पीछे से नहीं जाते। तो मेरे शेर जब किल हो जाओगे ना तब समझोगे तुम। तो अगर तुमको जीतना है ना मैच तो कभी कभी पीठ पीछे भी मार लिया करो, नहीं तो देखोगे 0-4 से हार गए हो। तो भलाई इसमें ये तुम थोड़ा मैप के साइड साइड से जाया करो। सो गाइस में जो ट्रिक नंबर 7 आता है वो है हर बारी नहीं करना। देखो इसको मतलब है आपको एनिमी के ऊपर रश नहीं करना, एनिमी जब आपके ऊपर रश करेंगे ना तो आप पूरा मार देना एनिमी को, क्योंकि आप अगर पोजीशन लेके बैठ रहोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस होगा आप मार जाओगे एनिमी को। और गाइस ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब एनिमी और आपका स्कोर एकदम 3-3 हो जाता है, तो तब दोनों टीम ही सोच में पड़ जाते हैं कब रश करना चाहिए यार। तो तब आपके टीममेट को बता देना जो ज्यादा हर बारी नहीं करने का, जब एनिमी आराम से आएगा तो आप आराम से मार देना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये ट्रिक जरूर यूज और आप जीत जाओगे और आप भी हीरोइक चले जाओगे। सो गाइस आई होप आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे और आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके इजीली हीरोइक और रीजन जा पाओगे। पर गाइस मैं देख रहा हूँ यार आप लोग वीडियो तो देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, तो क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में नोटिफिकेशन बेल है ना उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, और वीडियो को कर दो शेयर विद फ्रेंड्स एंड एक कमेंट कर दो छोटा सा जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगे। तो गाइस बाय बाय।